मुख्यमंत्री कमलनाथ भी प्रदेश के आर्थिक हालात को सुधारने में असफल साबित हुए हैं। पिछले एक बरस में कांग्रेस सरकार ने जैसे दावे किए थे वैसे परिणाम सामने नहीं आए हैं और सरकार को अपने काम चलाने के लिए बाजार से फिर 1000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। ये बताता है कि मध्य प्रदेश की माली हालात कमलनाथ के राज में पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एक अच्छे उद्योगपति हैं, इसीलिए वे कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे, लेकिन उनकी सरकार को एक साल पूरा होने के बाद भी इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तंगी के दौर से गुजर रही प्रदेश सरकार बाजार से फिर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 10 साल के लिए कर्ज लिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के साथ अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाएगा। प्रदेश सरकार अभी तक जरूरी कामों के लिए बाजार से 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है, बीते एक साल में सरकार की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा डामाडोल हुई है। इसके बावजूद बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते मध्य प्रदेश को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% तक कर्ज लेने का अधिकार है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य 28,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकता है। अभी तक 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष के 3 माह अभी बाकी हैं। यदि जरूरत पड़ी तो और कर्ज भी लिया जा सकता है, जिसके पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।